જેતપુર में दारू बंद करावा माटे महिला कांग्रेस मैदाने। जेतपुर महिला कांग्रेस और गुजरात महिला कांग्रेस प्रमुख गायत्रीबा वाघेलानी आगेवानी में जेतपुर पुलिस ने एक आवेदन आपवामां आव्युं हतुं, जेमां जेतपुर में देशी और विदेशी दारू बेफाम वेचाय छेना आक्षेप करवामां आव्या हता। आज जेतपुर कांग्रेसना आगेवान और नगरपालिका सदस्याए जेतपुर में वधी रहेला दारूनी भट्टी ने डामवा माटे जेतपुरना तीनबत्ती चौकथी लईने जेतपुर एएसपी ऑफिस सुधी एक रेली योजी हती अने जेतपुर पोलीस विरुद्ध और भाजप विरुद्ध सूत्रोच्चार कर्या हता अने जेतपुर में दारूना वेचाणने बंद करावानी मांग करी हती। आ रेली में गुजरात कांग्रेसना महिला प्रमुख गायत्रीबा वाघेला सहितना कांग्रेस आगेवान हाजर रह्या हता अने रेली स्वरूपे जेतपुर एएसपी ऑफिसे जईने जेतपुर एएसपी ने एक आवेदन पण आपेल हतुं अने आगामी समय में जेतपुर में दारू बंद करवा अने दारूना दूषण ने डामवा कड़क पगला भरवा आवेदनपत्र आप्युं हतुं। जेतपुर शहर पोलीस नी भ्रष्ट नीति रीतिना कारणे देशी विदेशी दारू वेचनारा बूटलेगरो ने मोकळुं मैदान मळी गयुं छे। पोलीस तंत्रनी रहम नजर तले बेफाम बनेला बूटलेगरो ने कायदानो कोई डर ज न होय तेवो माहोल जोवा मळी रह्यो छे। धोराजी रोड पर चामुंडा नगर में एक लोखंडनी पेटी में दारू वेचती कुमड़ी बाळकीना चोंकावनारा अखबारी अहेवालो बाद पण आजे पण आ जग्या पर बिंदास दारू वेचाई रह्यानुं जोवा मळ्युं हतुं। प्यासीओ पण तेमनी पासेथी पोलीसनी वीक वगर देशी दारूनी पोटली मेळवीने खुलेआम नशो करी रह्या छे। शहरमां देशी दारू वेचातो होवानुं आटला मोटा जीवता जागता पुरावा आप्या पछी पण जेतपुर पोलीस सत्ताना नशामां रांची छे अने एटला माटे ज आवा देशी दारूना वेपलाने काबूमां लई शकती नथी। हवे राजकोट जिला पोलीस वड़ा उपरांत गांधीनगरनी विजिलन्स टीम तात्कालिक जेतपुरमां ત્રાટકીને अखबारी अहेवालोमां बतावाती दारू वेचाणनी जग्याओ पर दरोड़ा पाड़ीने दारूनी बंदी थाय तेवी महिला कांग्रेस द्वारा मांग उठवा पामी छे। जेतपुरमां दारू बंद करावा माटे महिला कांग्रेस मैदाने। जेतपुर महिला कांग्रेस अने गुजरात महिला कांग्रेस प्रमुख खासे आज जेतपुरमां महिला कांग्रेस द्वारा जे आज अमे पोलीस एसपी ने अमे आवेदन आप्यु छे के अने ए आवेदन में अमे ज्यां पण जेतपुर में ज्यां ज्यां दारूनु वेचाण थाय छे एना एड्रेस सहित आप्यु छे अने ए अंतर्गत अमे ज्यां पण आवा दारूनु वेचाण थाय छे एवा लोकोने तात्कालिक धोरणे एने पकड़ो अने एने न्यायिक तपास करी अने जे आमां दूषणो जे छे एने एनी सामे गुनो दाखल करी अने एने पकड़ो एवी अमारी आजनी जेम मांग छे। पण आम तो जोईए तो थोड़ा समय पहला ज ते समग्र गुजरात में कि जे दारूबंदी नी वात करे छे पण आ भारतीय जनता पार्टी ना शासको एने अमलीकरण करावी शक्या नथी। थोड़ा समय पहला ज मुंद्रा खाते 21,000 करोड़नू थी वधु किंमतनू ड्रग्स छे झड़पायु अने त्यारबाद द्वारका पंथक में पण 310 करोड़नी किंमतनु ड्रग्स छे ए झड़पायु छे। त्यारे गुजरातनो एटले के गुजरात राज्यनो जे दरिया किनारो छे ए ड्रग माफियाओ माटे स्वर्ग साबित थई गयो छे एवुं लागी रह्युं छे। गई काले ज तमे जोशो के मीडियाना माध्यमथी राज्यना गृहमंत्रीए एवी जाणकारी आपी के छेल्ला 55 दिवस एटले के छेल्ला 3 महीनामां ज्यारथी आ नवी सरकार बनी छे त्यारथी ड्रग्सना कारोबार ने रोकवा माटे अथाक प्रयत्न थई रह्यो छे अने पोलीस तंत्र ने पण एमां छूटो दौर आपवामां आव्यो छे। त्यारे सवाल ए थाय के आनी पहेलानी जे भारतीय जनता पार्टीनी सरकार हती ए आ कार्यवाही जरा पण करी नथी अने भूतकाळनी जे भारतीय जनता पार्टीनी सरकार छे एनी निष्फळताने कारणे गांधीना गुजरातमां देशी अने अंग्रेजी दारू जे छे एनी रेलम छेल चाली रही छे अने पोलीस स्टेशन थी लई अने छेक गांधीनगर सुधी दारूना धंधार्थीओ साथेनी अने तंत्रनी साठगांठने कारणे आ जे कारोबार छे ए फूली अने फाली रह्यो छे एवुं लागी रह्युं छे। ए जेना कारणे राज्यनी मारी घणी जे महिलाओ छे एने विधवाओ थई छे। त्यारे राज्यनी आ हजारों महिलाओनी वारे गृह राज्य मंत्री आवे एवी अमारी महिला कांग्रेसनी पण मांग छे। अने जे रीते ड्रग माफियाओने तमे अत्यारे खुला पाड्या छे ए ज रीते नाना नाना गामथी शहेरमां लई अने ज्यां पण आवी दारूने जे वेचाण थाय छे ए लोकोनो खात्मो करो अने राजकोट जिल्लाना खास करीने जेतपुर शहेरमां ज्यांना जे दारूનો જે વેચાણ થઈ રહ્યો છે એને ખતમ કરવા માટે થઈને આજે અમારા મહિલા કોંગ્રેસના બહેનો છે એ વહારે આવ્યા છે અને અમે એટલું પણ કહીએ છીએ કે આ જ રીતે જ્યાં સુધી સમગ્ર ગુજરાતમાં જ્યાં પણ દારૂ વેચાતો હશે ત્યાં અમારા મહિલા કોંગ્રેસના બહેનો દ્વારા આ જ રીતે આંદોલન છે કે ધરણાના કાર્યક્રમ કરી અને આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસકોને કાન છે એ આંબળતા રહેશું અને હવે ગુજરાતના लोको पर कहे छे के बस हवे बहु थयु हवे आ सरकारने घर भेगी थवानो वारो आवी गयो छे। જેતપુરમાં कायमी ધોરણે दारू વધતો જ જાય છે। અનેક વખત રજૂઆત કરીએ કે પીધેલમાં પકડેલા હોય તો પોલીસ પકડીને કેસ કરી નાખે પણ મૂળથી પોલીસ તપાસ કરતી નથી। જો રાજકીય દબાણ હોય એવું પણ મને લાગી રહ્યું છે કે ભાઈ રાજકીય દબાણ હોય એટલે જ પોલીસ તપાસ ન કરતી હોય અને એ તો હવે સાફ સાબિત થઈ ગયું કે એક એક પોલીસ વાળો તમે જોવો 10-10, 15-15 વર્ષ થયા જેતપુરમાં નોકરી કરે છે। સિટીમાંથી બદલી થાય તો એલસીબીમાં આવે, એલસીબીમાં બદલી થાય તો તાલુકાની, કારણ કે બુટલેગરો સાંઠગાંઠ ધરાવે છે અને જો એની બદલી થાય તો રાજકીય રીતે એને પાછો લઈ આવવામાં આવે છે। તમે વિચાર કરો, એને બદલે જેતપુરમાં નશાનો અને દારૂનો કારોબાર વધતો જ જાય છે। કહેવાય છે કે આ ફાટેંતર થીંગડા ન દેવાય। शराब जे छे दारूनी लत छे एटली भूंडी ने खराब है कि घणा बधा लोको बर्बाद थई गया। परंतु आपणी मुश्किल ये है कि हमणा अमारा शारदाबेने जे बात करी ने कि भाई आटलू बधु दारू वेचाय छे ने शा माटे आपणी पोलीस तंत्र के शासकों के एना मिनिस्टरो के कंई करता नथी। तो पहली बात तो ये है कि ज्यां दारूबंदी है क्या दारूबंदी नहीं, ये तमाम जगह दारूनु दूषण तो है। बीजू के गुजरातनी अंदर हालना तबक्के जहाँ जो त्या दूषणों जो थया छे, खास करीने सूरत तरफ, आमोद तरफ, आसपासना विस्तार में घणी मजूरन नानकड़ी दीकरीओने पकड़ी लई जईने बलात्कारो थया। एनी पाछळना कारण छे दारू, कारण के अर्धी रात्रे दारू पीने अंतेम फरे अने पछी एमना कुटुंबमां तो कबीलामां तमे जुओ तो पत्नी रिसामणे गई होय, अर्थतंत्र खराब थयुं होय, कोई दीकरी आपतुं न होय अने कोई असामाजिक तत्वों साथे ए भळीने पछी पोर्न फिल्म्स जोई। 47,000 करोड़नी पोर्न फिल्म्स आपणा हिंदुस्तानमां वेचाय छे। सांभळो, एटले गमे एवुं महात्मा जुए ने कोई बगड़ी जाए, एना कारणे पछी दारू आवे अने व्यभिचार आवे, एटले आखो समाज आपणो बगड़े। आ दीकरीओने आ बधी मेहनत जे करी छे एटला माटे कही छे कायम खातरा बंद थवुं जोईए अने ए बंद तो ज थाय के पोलीस तंत्र अने शासको एक थईने काम करे तो ज निराकरण आवे। बाकी गमे त्यारे आपणे मोटी मोटी वातो करीए अंदर कांई बहुत हुई शराब की मार अब बदलनी होगी। सरकारे मोटा मोटा नियमो कर्या, मननी वात करी, दुनियाभरनुं कर्युं, परंतु मूळ पायानी जे बाबत छे मोंघवारी दूर करो, डीझलना भाव आटला बधा, एनी अंदर पछी दारू पीने फरे एटले घरमां कांई आवे नहीं। आ तमाम जड़ आ सरकार से। सरकार बदलशे तो घणुं बदलशे। दारू बाबतमां जे रेली काढवामां आवी हती एमां जे लोकोनी रजूआत हती आना लीधे आ रजूआत जो छे आ रेली नहीं पण होय तो पण जो छे अमारे जेतपुर पोलीस तरफथी जो छे सतत दारूना बाबतमां कारवाई करवामां आवे छे अने कड़कमां कड़क कारवाई करवामां आवे छे अने गया वर्षनी सरखामणी करते पण आ वर्षे दारूना बाबतमां वधारे केस थया छे। इंग्लिश दारू होय, पछी देशी दारू होय, कोई पण होय એમાં ક્યારેય અમારા તરફથી કોઈ કચાશ રહેતી નથી અને એમાં જેતપુરમાં જે મહિલા બુટલેગર પણ છે અને જે પુરુષ બુટલેગરો પણ છે બધા ઉપર સતત અને કડક કાર્યવાહી કરવામાં અમારી કાર્યવાહી સતત ચાલુ રહેશે। સાહેબ, આ ન્યૂઝમાં છેલ્લા 5 દિવસથી આવે છે, તો આ બધું ખોટું આવે છે? જે ન્યૂઝની તમે વાત કરો છો આમાં પણ જો છે અમારે સતત જો છે જે લોકોની તમે મેન્શન કરો છો એ એરિયામાં પણ અમારે કાર્યવાહી થયેલી છે, કેસીસ થયેલા છે અને એમાં જે જો છે કોઈપણ બુટલેગર યા કોઈપણ બાબતમાં અમારે ધ્યાન ઉપર આવે તો અમારી તે સ્થળ ઉપર જો છે સતત કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે। ધોરાજી રોડ પર ચામુંડાનગર છે, એનો અત્યારે તાજો જ વિડીયો છે, બેફામ દારૂ વેચાઈ રહ્યો છે, એનો વિડીયો અત્યારનો જ છે। તો ત્યાં કણે છેલ્લા ઘણા સમયથી જે સમાચાર આવી રહ્યા ચામુંડાનગરના, છતાં પણ ત્યાં ધંધો બંધ નથી થતો અને એ લોકો એવું કહે છે કે જેને જે કરવું એ કરે, અમારો ધંધો ચાલુ જ રહેશે। શું કહેશો? आ कदाच जो है एवं कोई वस्तुनी जो स्थल बात करो छो, आ स्थल पर जो है अमारे ध्यान में जो आए अमे सतत एम जो है कार्रवाई अमारी जो है चालू ज रहे है। जे एरिया की तब बात करो छो एनी पण हूँ चकासणी करावशुं अने अगर एम तमने लागे है कि कोई केस थयेलो नहीं होय तो अमारी एम कार्रवाई चालू रहेशे अने 100% मने खातरी है कि आ एरिया में अने जे अलग अलग स्थलों है जे अमारा ध्यान में आए है आमां अमे लोको सतत केस करी रह्या छे। तो साहब, केस तो कदाच करेलो छे पण धंधो चालू रहे छे। एनो शुं ए अमारे जे छे एमां जे हूँ बात करी छे कि अमारे ते कारवाई जो करवामां आवे छे, कायदेशीर रीते जे कारवाई करवामां आवे छे अमे लोको करी रह्या छे अने आगळमां पण अमे लोको अगर कोई पण वस्तु अमारे ध्यानमां आवशे तो एमां पण अमे लोको कड़क कारवाई करशुं। થોડા દિવસ પહેલા જે પોલીસને બુટલેગરનો એક વિડીયો વાયરલ થયો હતો કે અમે પોલીસને આટલા આપતા હતા, એમાં પીઆઈનું પણ નામ હતું, છતાં પણ તેની માટે શું કાર્યવાહી કરવામાં આવી? આની જો છે તપાસ જો છે કન્સર્ન અધિકારી કરી રહ્યા છે અને એ અધિકારી જો છે એમાં જો છે તપાસમાં એ વિશે જાણ